प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा दसवीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरी समस्या हल कर रहे हैं, जिसमें हमें एक बड़ा सा प्रश्न दिया गया है, जिसमें 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएँ एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी काम को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी काम को करने में पुरुष कितना समय लेगा। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसको लेकिन हम बड़े ही सिंपल तरीके से समझ लेंगे। तो चलिए समझते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो कि एक सॉर्ट आउट करने का एक सिंपल तरीका है। कार्य को यदि समय में बदलना है तो कार्य बराबर होगा 1/समय। तो हम कार्य को समय में कब बदल सकते हैं? जब कार्य जो दिया है उसको हम 1/2 में कर सकें। जैसे कोई कार्य यहाँ पर x है, तो यदि हम उसको समय में बदलना चाहें तो 1/x हो जाएगा। जैसे कोई कार्य यदि x/y है, और यदि मैंने कहा इस कार्य को आप समय में बदलिए, तो आप कहेंगे 1/x/y, यानी कि ये y पलट के ऊपर आ जाएगा, तो y/x। तो कोई भी संख्या हो, कोई भी कार्य हो, यदि आप उसको समय में बदलना चाहते हैं तो आप उसको 1/2 में कर दीजिए, या दूसरे शब्दों में उसको पलट दीजिए, तो हम उसका समय निकाल सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये इसको करने का एकमात्र तरीका है, जिससे आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला हो गया, इसकी चर्चा हम लोग अभी बाद में करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, क्वेश्चन शुरू जो भी करते हैं हम लोग हल, वो प्रश्न के आखिरी हिस्से से करते हैं। तो आखिरी हिस्से में क्या लिखा है जरा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, एक अकेली महिला कितना समय लेगी किसी भी काम को करने में, और पुनः इसी काम को करने में पुरुष कितना समय लेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमसे समय पूछा गया है, और महिला का समय अलग है और पुरुष का समय अलग है, और ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि हमें प्रश्न का जो पूछा गया है वो समझ में आना चाहिए कि क्या पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महिला और पुरुष का समय पूछा गया है। तो इसके लिए आपको शुरुआत यहीं से करनी है, और आपको लिखना है अलग अलग महिला और पुरुष के लिए कि यहाँ पर एक महिला एक काम को x दिन में पूरा करती है, क्योंकि महिला पहले लिखा है, इसलिए हम महिला को क्या मान लेते हैं, x दिन में काम पूरा कर रही है, जबकि पुरुष जो है वो 2 दिन में कोई काम पूरा कर रहा है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। माना कोई महिला एक काम को x दिन में पूरा करती है, और पुरुष उसी काम को 2 दिन में पूरा करता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, माना एक काम को महिला x दिन में और पुरुष 2 दिन में पूरा करेगा। अब हम क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं और इसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, 2 महिलाएं हैं एवं 5 पुरुष हैं। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर 2 महिलाएं हैं, इसलिए अगर एक महिला एक काम को करेगी तो उसमें समय लगेगा 1/x 1 दिन में। यदि 2 महिलाएं करेंगी तो लगेगा 2/x। ये कार्य है, किया गया कार्य। तो 2 महिलाएं कर रही हैं, इसलिए आपको लिख देना है 2/x, और 5 पुरुष हैं तो 5/y, क्योंकि पुरुष को आपने क्या माना है, 2। और चूंकि दोनों साथ में कर रहे हैं, इसलिए, और वो समय कितना, ये क्या है, कार्य, और समय दिया गया है 4 दिन, तो दोनों कर रहे हैं इसलिए प्लस लग जाएगा। आपको ध्यान रखना है, 2 महिलाएं हैं इसलिए 2/x कर देना है, और 5 पुरुष हैं इसलिए 5/y कर देना है। ये दोनों कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है आपको बता दूं मैं, ये कार्य है, किया गया कार्य, 2 महिलाओं द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य 2/x, और 5 पुरुषों द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य 5/y। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, 2 महिलाओं द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य बराबर 2/x हो जाएगा, और 5 पुरुषों द्वारा 1 दिन में
किया कार्य, किया गया कार्य, ये हो जाएगा 5/22, क्योंकि पुरुष को जो हमने बाई के रूप में लिया है, इसलिए कुल कार्य, दोनों का कुल कार्य कितना होगा, तो हम इसको जोड़ लेते हैं, 2/x प्लस 5/22, दोनों को जोड़ेंगे ये टोटल कार्य आ जाएगा। इसको और आगे हल हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर x व y का एलसीएम आएगा x y, अब x का भाग देंगे x y, तो x और x कट जाएगा, तो क्या बचेगा, y, y का गुणा 2 में कर दोगे तो कितना आएगा, 2y, प्लस लगा है तो प्लस, यहाँ पर y और y कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x, x का गुणा कहाँ हो जाएगा, 5 में, तो कितना आएगा, 5x। ये क्या है, कार्य है, लेकिन दुविधा ये है, यहाँ पर कार्य के साथ में क्या दे दिया है, समय, तो हम कार्य को समय के बराबर नहीं लिख सकते, क्योंकि कार्य एक अलग चीज़ है और समय एक अलग चीज़ है। लेकिन मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है वो है, कार्य को यदि समय में बदलना है तो कार्य बराबर होता है 1/समय। तो अब हम समय यानी कि बराबर में 4 लिखना चाहते हैं इसके बराबर में, लेकिन ये क्या है, कार्य है, और ये क्या है, समय है, तो क्या हम कार्य को समय में बदल सकते हैं, तो आंसर है हाँ, हम बदल सकते हैं, इसको 1/ में लिखेंगे, या दूसरे शब्दों में इसको पलट देंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए कुल समय है, तो समय जो रहेगा इसको हम पलट देंगे, तो ये समय बन जाएगा, कहने का मतलब है 1/ कार्य कर देंगे, तो हम लिखेंगे 1/2y प्लस 5x, ये और बटे में आ गया एक्स वाई, ये हमने कार्य को किस में बदल दिया है, समय में, कैसे, हमने एक फॉर्मूला माना है कार्य बराबर 1/समय, तो यहाँ पर 1/समय, अब ये एक्स वाई जो है वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, तो एक्स वाई ऊपर पहुँच गया, और नीचे क्या आ गया, 2y प्लस 5x, तो अब ये क्या बन चुका है, तो आंसर है अब ये समय बन चुका है, पहले क्या था, तो पहले क्या था, ये कार्य, अब क्या बन चुका है, समय, कैसे आया, 1/ में करने से। तो चलिए, अब हमने यहाँ पर जो है समय निकाल लिया है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुषों के में जो समय लग रहा है, और वो कितना दिया गया है, 4 दिन, तो अब हम इसको इन दोनों के बराबर, इन दोनों को इसके बराबर लिख सकते हैं, तो चलिए प्रश्नानुसार हम यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्नानुसार, और इसके बराबर में हम 4 लिख सकते हैं, यानी एक्स वाई बटे 2y प्लस 5x बराबर 4। अब हम यहाँ पर इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं और त्रियक गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो त्रियक गुणा, तो चलिए अब हम त्रियक गुणा कर देते हैं, तो 4 का गुणा इसमें होगा तो आएगा क्या, 4 × 2 = 8y प्लस 4 × 5 = 20x बराबर एक्स वाई, एक का गुणा एक में तो एक्स वाई ही आएगा, यहाँ पर x को हम आगे लिख देते हैं और y को पीछे, यहाँ पर ध्यान देना है कि पक्षांतर नहीं हो रहा है, केवल व्यवस्थित हो रहे हैं, तो 20x प्लस 8y बराबर एक्स वाई, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे बराबर कि अगर इस तरफ और इस तरफ हो तब पक्षांतर माना जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स वाई है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, अचर पद, कोई भी संख्या, इसको हम रफ में समझ लेते हैं, कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पर यदि लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 4, ऐसी संख्या होनी चाहिए, या फिर 3x प्लस 2y बराबर 9, तो इस तरीके की संख्या होनी चाहिए ताकि हम विलोपन से इसे सॉल्व कर सकें, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे तो एक्स वाई है, तो एक्स वाई को हमें हटाना है, तो हम क्या करते हैं, जिस भी चीज़ को हटाना होता है उसी से भाग दे देते हैं, तो वो चीज़ अलग हो जाती है, तो एक्स वाई को क्या करेंगे हम लोग, हटाने के लिए पूरे समीकरण में एक्स वाई से भाग दे देंगे, तो जब हम एक्स वाई से भाग देंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको, यदि हम एक्स वाई से भाग देंगे तो आएगा 20x/xy, इसको रफ में हम लोग समझ रहे हैं, प्लस 8y/xy बराबर xy/xy, तो आप यहाँ पर देखोगे कि x और x तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 20/y
प्लस यहाँ से बाई और बाई तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन क्या मिलेगा 8/x। यहाँ पर एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल, तो क्या आ गया 1। तो आ गई ना यहाँ पर अचर राशि। तो यहाँ पर जो अचर राशि आई है वो हमने कैसी मेथड लगाई है, जो भी यहाँ पर है उसी से हमने भाग दे दिया, क्योंकि हम चाहते थे कि जो हमारा समीकरण हो वो यहाँ पर अचर पद हो ताकि हम उसे विलोपन से सॉल्व कर सकें। लेकिन उसके चक्कर में यहाँ पर ये बटे में बाई आ गया और यहाँ पर बटे में एक्स आ गया। लेकिन इसको हल करना हम लोग जानते हैं, इसके पहले जो क्वेश्चन किए हैं यहाँ पर हम 1/y को भी मान लेंगे और 1/x को यू मान लेंगे और उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसको पहले लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पूरे समीकरण में एक्स वाई से भाग देने पर, तो चलिए भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है 20x, यहाँ पर देख लेता है 20/y, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 20/y प्लस 8/x बराबर 1। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेता हूँ। ये 8/x जो है इसको मैं आगे लिख लेता हूँ ताकि x हमेशा आगे रहता है, और 20/y ध्यान रखना है यहाँ पर पक्षांतर नहीं हुआ है, केवल व्यवस्थित हुए हैं। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसे स्थिति एक मान सकते हैं या फिर समीकरण भी दे सकते हैं। अभी स्थिति एक इसलिए मानी है क्योंकि हमने प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त से तो किया है, लेकिन इसके लिए हम सेकंड शर्त और भी लगाएंगे। चलिए, तो ये एक समीकरण मिल गया है, तो हमने स्थिति एक दिया या फिर इसको समीकरण एक दे देता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम समीकरण को और पढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। और जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में ही पूरा कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष जो है यहाँ से काम मिलेगा हमें। तो चलिए 3 महिलाओं का 1 दिन का काम कितना होगा 3/x, और 6 पुरुषों का 1 दिन का काम कितना होगा 6/y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड शर्त से तीन महिलाओं का 1 दिन का काम जो होगा वो होगा 3/x, और 3 पुरुषों का 1 दिन का कार्य क्या होगा, 3 पुरुष यहाँ पर हम देख लेते हैं 6 पुरुष है, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, 6 पुरुषों का 1 दिन का कार्य 6/y। तो पहले जैसा ही करना है, इसलिए कुल कार्य जो होगा वो दोनों का जुड़ जाएगा, यानी 3/x प्लस 6/y। अब LCM लेंगे इसके आगे, तो यहाँ पर 3/x प्लस 6/y ये था, इसका LCM ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक्स वाई लिखेंगे, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बाई, तो 3 का गुणा बाई में होगा, तो क्या आएगा 3 बाई प्लस, यहाँ पर बाई और बाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स, एक्स का गुणा 6 में होगा, तो 6x। तो ये जो है ये किया गया क्या है, कार्य है। अब हम लोग प्रश्न को ध्यान से देखते हैं, जैसा हमने पहले किया था सेकेंड शर्त में भी बिल्कुल वैसा ही करना है। आइए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न जो है इसमें दिया है 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में। तो ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है समय, और ये दिया गया था कार्य। तो कार्य को हम किस में बदलेंगे, सबसे पहले समय में। तो कार्य को समय में बदलने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, क्या आप बताएंगे किस तरीके से बदला जाता है। तो इसको हम बदलते हैं समय बराबर 1/कार्य, यानी कि 1/3y प्लस 6x/xy इस तरीके से। तो इसको पलट देते हैं, तो ये आएगा एक्स वाई ऊपर पहुंच जाएगा और बटे में आएगा 3y प्लस 6x। ये क्या आ चुका है, समय। अब हम लोग प्रश्नानुसार यहाँ पर यदि देखें तो 3 दिन लिखा है, तो अब इस वाले को हम 3 के बराबर में लिख सकते हैं, 3 यानी कि 3 दिन जो है उसके बराबर में लिख सकते हैं। तो इसलिए प्रश्नानुसार एक्स वाई बटे 3y प्लस 6x बराबर
तीन दिन में पूरा करता है, इसलिए तीन, इसके बटे कुछ नहीं है तो एक लिख के अब हम लोग त्रिक गुणा कर सकते हैं। तो चलिए त्रिक गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे यदि आप त्रिक गुणा करोगे तो एक का पहले तीन का गुणा इसमें कर देते हैं, तो तीत्र का 9y प्लस छतिया 18x बराबर एक्स वाई का गुणा एक्स एक में होगा तो एक्स वाई ही आएगा। अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि एक्स वाई को हमें हटाना है। क्यों हटाना है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अचर पद होता है और यहाँ पर है लिखा है एक्स वाई, जैसे 6x प्लस 5y बराबर 3, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए अचर पद, तभी हम विलोपन से सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है एक्स वाई, तो पूरे समीकरण में हम एक्स वाई से भाग दे देंगे। तो जब हम एक्स वाई से भाग देंगे तो यहाँ पर लिखा है 9y, इसमें भी हम बटे में एक्स वाई कर देंगे। फिर लिखा है 18x, तो 18x के बटे में भी हम एक्स वाई कर देंगे। फिर लिखा है एक्स वाई, तो इसके बटे में भी क्या हो जाएगा एक्स वाई। तो आप देख रहे हैं तीनों पदों के बटे में हमने एक्स वाई कर दिया, यहाँ से वाई और वाई कैंसिल, यहाँ से एक्स वाई एक्स कैंसिल, यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल, तो 9 बटे कितना आएगा एक्स, प्लस यहाँ आएगा 18 बटे वाई बराबर यहाँ एक्स वाई कट चुका है तो एक आएगा। तो हमें मिलेगा 9 बटे एक्स प्लस 18 बटे वाई बराबर एक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पूरे समीकरण में एक्स वाई से भाग देने पर, तो हमें मिलेगा 9 बटे एक्स प्लस 18 बटे वाई बराबर एक। ये है समीकरण दो। इसके पहले हमने एक समीकरण एक बनाया था, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो था ये समीकरण एक है, जहाँ मैंने स्थिति के जरिए यहाँ पर पहला समीकरण बनाया था। अब इन दोनों को हम अलग से लिखेंगे और इसको सॉर्ट आउट करेंगे, यानी कि इसको हल करेंगे। तो चलिए समीकरण एक व दो से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण एक व दो से, पहला समीकरण था 8 बटे एक्स प्लस 20 बटे वाई बराबर एक, और दूसरा समीकरण जो है हम यहाँ पर और दूसरा समीकरण जो है उसको लिख लेते हैं। ये है 9 बटे एक्स प्लस 18 बटे वाई बराबर एक। तो यहाँ पर हमने दोनों समीकरणों को लिख लिया है, अब हम इसको मानेंगे। माना 1 बटे एक्स बराबर हम मान लेते हैं u, और 1 बटे वाई बराबर मान लेते हैं v। इसी तरीके से अब इसको हम लिखेंगे तो हमें मिलेगा समीकरण 8u प्लस, ये 8u हो जाएगा क्योंकि 1 बटे एक्स का मतलब u होगा। इसी तरीके से ये हो जाएगा 20 भी बराबर एक। ये है समीकरण तीन, और इसको मान लेते हैं तो ये आएगा 9u। अब ये ऊपर है इसलिए ऊपर ही रहेगा, यदि बटे में होता तो u के बटे में आता, लेकिन ये क्या है ऊपर है 8, तो ऊपर ही रहेगा, सभी संख्याएं ऊपर हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस 18 भी बराबर एक, इसको हम समीकरण चार बना देंगे। अब यहाँ पर हमें समीकरण जो है इनको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो समीकरण एक में 18 का गुणा, b का गुणांक हम लोग सेम करते हैं तो उसी विधि से करेंगे, और समीकरण दो में 20 का गुणा कर देंगे। और यदि हम इसको दूसरे तरीके से करना चाहें 9 का गुणा इसमें और 8 का तो भी कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण एक में, समीकरण तीन में 18 का गुणा और समीकरण चार में 20 का गुणा करने पर। ये विलोपन है, यदि आपने विलोपन नहीं सीखी है तो सबसे पहले आप विलोपन सीख लीजिए। 20 का गुणा करने पर 18 का गुणा 8 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 144 u प्लस, यहाँ पर करेंगे तो 18 दूनी 36 होता है, यानी 360 आ जाएगा भी बराबर 18 एकम 18। 20 का करेंगे तो यहाँ पर आएगा 180, 20 का गुणा 9 में करेंगे तो 180 u, यहाँ पर 360 ही आएगा बराबर 20 एकम 20। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर जो है समान चिन्ह है और समान चिन्हों में हम घटा देते हैं, तो अब हम इसको समीकरण ना बना के डायरेक्ट घटा देते हैं।
कोई भी समस्या नहीं है, यदि आप समीकरण नहीं बनाएंगे तो घटाने पर यहाँ पर माइनस लगा देते हैं और चलिए घटा दें, धन का है तो ये ऋण का हो जाएगा, ये धन का है तो ऋण का, और ये धन का है तो ये भी ऋण का। चिन्ह बदलते हैं घटाने में, आपको ध्यान रखना है। तो हमें एक एक करके घटाते हैं, सबसे पहले तो ये कैंसिल आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस का जो है, माइनस की संख्या बड़ी है, 180 बड़े होते हैं 144 से, इसलिए माइनस का 36 u, और ये तो कैंसिल आउट हो ही गया है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 18 माइनस के 2 बच जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल, तो u बराबर आएगा 2/36, यानी कि 2 × 1 = 2 और 18 × 2 = 36, यानी u की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आएगी 1/18। अब u का मान यदि हम समीकरण यहाँ पर 3 में रख दें तो हमें v का मान भी मिल जाएगा, तो चलिए रख देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, u का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए रख देते हैं, तो समीकरण 3 जो था वो है 8u + 20v = 1। तो पहले तो वही लिखेंगे, 8u + 20v = 1। अब यहाँ पर जो है u का मान 1/18, तो यहाँ पर 8 × 1/18 है, और उसके बाद आएगा प्लस 20 भी, ऊपर का ज्यों का त्यों, बराबर 1। यहाँ से ये हम कैंसिल करना चाहते हैं तो कितनी बार होगा, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 2 से कर देते हैं, तो 2 × 4 = 8 और 2 × 9 = 18, ये कैंसिल आउट हो गए, प्लस 20 भी बराबर 1। तो यहाँ पर 4 × 4/9 और उसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो 20 भी = 1 − 4/9, तो 20 भी = 9 × 9, LCM आ जाएगा यहाँ पर, 9 × 9, 9 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 5/9। अब यहाँ पर भी बराबर 5/9 पहले से था और गुणा में जो 20 है ये बटे में आ गया, तो 5 × 5 और 5 × 20, तो भी बराबर आएगा 1/9 × 36। तो ये भी का मान अब हम लिखेंगे, माना था कि जो हमने माना था उसको लिख लेंगे, कि जो हमने माना था उसको हम रिपीट करेंगे, हमने माना था कि 1/x = u और 1/y = v, तो 1/x जो है वो कितना है u, और u का मान हमने निकाला हुआ है 1/18, और 1/y = v का मान हमने निकाला 1/36। तो x बराबर ये सामने सामने लिखी, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x = 18 और y = 36। तो इस तरीके से हम, अब हमने x व y जो माना था वो महिला और पुरुष के लिए, तो हम उसको रिपीट कर लेते हैं, महिला को एक काम x दिन में यानी 18 दिन में करेगी, अतः एक महिला एक काम को 18 दिन में करेगी, एक काम को 18 दिन में करेगी, जबकि पुरुष जो है उसे 36 दिन में करेगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं और एक अभ्यास से आप इसको हल कर सकते हैं। अपनी मेहनत जारी रखिए, और जिन बच्चों ने अभी तक प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वहां से जाकर आप अपना अध्ययन जारी कर सकते हैं। Thank you.